सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं शनि देव की प्रतिमा पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सारांश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप तक लेटेस्ट जानकारियां पहुंचती रहेंगी। शनि शांति के लिए शनि देव की लोह प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने का विधान ज्योतिष ग्रंथों में किया गया। यह अभिषेक का ही मानो एक रूप है। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी पर जब शनि की दशा प्रारंभ हुई उस समय समुद्र पर पुल बांधने का कार्य चल रहा था। राक्षस पुल को हानि न पहुंचाएं, यह आशंका सदैव बनी हुई थी। पुल की सुरक्षा का दायित्व हनुमान जी को सौंपा गया। शनिदेव हनुमान जी के बल और कीर्ति को भली भांति जानते थे। उन्होंने पवन पुत्र को शरीरधारी पर ग्रह छाल की व्यवस्था के नियम को बताते हुए अपना आशय बताया। हनुमान जी ने कहा कि वे प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन राम सेवा उनके लिए सर्वोपरि है। उनका आशय था कि राम काज होने के बाद ही शनिदेव को अपना पूरा शरीर समर्पित कर देंगे, लेकिन शनिदेव ने हनुमान जी का आग्रह नहीं माना। वे अरूप होकर जैसे ही हनुमान जी के शरीर पर आरूढ़ हुए, हनुमान जी ने विशाल पर्वतों से टकराना शुरू कर दिया। शनिदेव शरीर के जिस अंग पर आरूढ़ होते, महाबली हनुमान जी उसे ही कठोर पर्वत शिलाओं से टकराते। फलस्वरूप शनिदेव बुरी तरह घायल हो गए। उनके शरीर का एक एक अंग आहत हो गया। शनिदेव ने हनुमान जी से अपने किए की क्षमा मांगी। हनुमान जी ने शनिदेव से वचन लिया कि वे राम भक्त को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। आश्वस्त होने के बाद राम भक्त अंजनी पुत्र ने कृपा करते हुए शनिदेव को सरसों का तेल दिया, जिसे लगाते ही उनकी पीड़ा शांत हो गई। तब से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उन पर कड़वे तेल से अभिषेक किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार शनि की धातु सीसा है। इसे संस्कृत भाषा में नाग धातु भी कहते हैं। इसी से सिंदूर का निर्माण होता है। तंत्र शास्त्र में इसके विभिन्न प्रयोगों की विस्तार से चर्चा की गई है। लोहा मंगल ग्रह की धातु है। तेल को स्नेह भी कहा गया है। यह लोहे को सुरक्षित रखता है। लोहे पर यह जंग नहीं लगने देता और यदि लगा हुआ हो तो उसे साफ कर देता है। मंगल प्रबल हो तो शनि का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। इसे शनि को शांत करने का सरल उपाय भी कहा गया है। तेल चढ़ाने का अर्थ है समर्पण। अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सारांश को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।